नमस्कार किसान भाइयों, पटेल एग्रीकल्चर चैनल में आप सभी एक बार फिर से स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज देखिए हम इस पानी वाले पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप बोलते हैं इसे, ये देख सकते हैं आप इसको, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप बोलते हैं। तो ये पंप में ये तीन नूडल आते हैं अपने पास इसमें, और ये PTO से चलता है ट्रैक्टर की, हम न्यू हॉलैंड 4710 में चला रहे हैं इसे। तो इसमें तीन नूडल आते हैं, हम अभी लेकिन एक ही चला रहे हैं इस पर। और इसके बाद इसका जो सेक्शन आता है काफ़ी मोटा सेक्शन है। अभी हमने उड़द मूंग की फसल लगाई है, तो उसमें हमारा क्या है, पानी ज़्यादा गिर गया था कल, तो उस कारण से पानी ज़्यादा भर गया है। तो आप देख सकते हैं ये इसका सेक्शन है, और हमने वहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा करके इसको पानी में, सेक्शन को पहले पानी से भरना पड़ता है। सेक्शन को भरने के बाद ये जो इसकी यहाँ पे एक चाबी होती है, इसकी एयर निकालनी पड़ती है इससे। और इसके बाद ये सेक्शन को पूरा भरने के बाद, अपन इसका PTO चालू करते हैं ट्रैक्टर का, और ये फिर अपने आप पानी खींच लेता है। वो आप अपनी नीड के हिसाब से पानी चालू कर सकते हैं, अगर आपको दोनों तीनों की ज़रूरत है तीनों चला सकते हैं इसको, हमें लेकिन अभी एक ही ज़रूरत है तो एक ही चल रहा है ये। और इसका जो ये इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन है आप देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए। तो ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है, हम इसको ट्रैक्टर में चला रहे हैं, और काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट है। ये बरसात में बहुत ही ज़्यादा काम में आता है किसान भाइयों, क्या है पैड़ी वाली फसल होती है, धान वगैरह रहती है, तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, जब काटने के लिए हमें पानी निकालना पड़ता है खेत से, तो ये काफ़ी ज़्यादा हमें काम निकाल के देता है, ये काफ़ी जल्दी पानी ख़त्म कर देता है। अभी मैं देख रहा था ये खेत में, वहाँ कहीं तक पानी दिख रहा था, वहाँ पे पानी निकल रहा है धीरे धीरे, अब खैर वो तो पानी धीरे धीरे निकलेगा ही। इसके बाद ये निकलेगा, और यहाँ पे हम इसको एक नाले में निकाल रहे हैं, देख सकते हैं आप इसकी स्पीड। और अभी हम एक ही चला रहे हैं, और ट्रैक्टर का भी हम जो PTO का गियर है ना, वो तो सबसे लो लगा के रखा है, और इसकी स्पीड आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी मोटर का काम कर रहा है। और अभी एक ही पंप चल रहा है इसका, और अभी तीन चलाएंगे तो और काफ़ी जल्दी काम हो जाएगा, लेकिन उसके लिए फिर उसका सेक्शन भी और मोटा हो, क्या पानी भी तो पुजा पाए वो पूरा पंप, तो उस कारण से हम एक ही चला रहे हैं, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसका, देख सकते हैं किसान भाई। और ये हम न्यू हॉलैंड में चला रहे हैं 4710 में अपना, और अभी ये पूरा खाली था यहाँ पे, ये नाला पूरा जल्दी भर गया है, और काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट है। और ये ऐसा PTO से चलता है, आप देख सकते हैं इसे। तो किसान भाई, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और किसान भाइयों को इसके बारे में पता चले, तो वो भी इसका यूज़ करके अपना काम आसान कर सकते हैं। धन्यवाद।